ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर। मैं हूं रामकन नेचर ब्लेसिंग वीडियोज की तरफ से। आज है 29 जुलाई और मैं हूं थापली वाले एरिया में जो पंचकुला पिंजौर के हलके में पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर भारी बारिश के बाद और कितना बढ़िया दृश्य बन गया है और यहां पर क्या क्या है वो आप देखिए अगले 5-7 मिनट। अभी हम जा रहे हैं एक झरनों में से पानी बहता हुआ आ रहा है पीछे घाटियों से और उस तरफ जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इस एरिया में एक है जी गराट, ये है जी पानी से चलने वाली आटा चक्की और गराट का ये सिंबल हो गया, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है थापली एरिया में आपका स्वागत के लिए। और ये हो गई जी मेरी स्कूटी और अभी मैं ले कर चलता हूँ आपको गराट वाले एरिया में और पानी वाले एरिया में। सुबह के 6:40 हुए हैं, मैं करीबन मेरे रेजिडेंस से 15 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। बड़ा अच्छा मौसम है और आप देखिए बिल्कुल सही, और आज बादल भी नहीं है, धूप निकली हुई है। और मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक हिरण का बच्चा साइट किया था, वो आपको मैं इस वीडियो के मैं अटैच कर दूंगा। ये देखिए ये गराट के लिए पानी जाता है। अभी पंचक्की बंद है और मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जब एक्सेस पानी होता है तब भी पंचक्की को बंद करना पड़ता है और जब पानी नहीं होता है तब भी पंचक्की को बंद करना पड़ता है। तो ये पंचक्की का पानी एक्चुअली वहाँ से इस एरिया से आता है पंचक्की को चलाने के बाद। ये देखिए जी पंचक्की का एरिया, इसके पास में दिखा देता हूँ एज पर सिचुएशन केला। और अभी हम उतर लेते हैं नाले की तरफ। ये जी नाले की तरफ उतरने के लिए रास्ता। और यस, सुबह सुबह नंगे पाँव के साथ मज़ा लेते हुए बड़ा अच्छा लगता है, एक्यूप्रेशर मिलता है। ये देखिए आप, बिल्कुल मिट्टी नाम की चीज़ नहीं है, सारे पत्थरों में से पानी बह बह कर पानी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। यस, ये देखिए बड़े क्रिस्टल क्लियर स्टोन्स। और ये पानी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश, सूर्य की सुबह सुबह की ताज़ा किरणों के साथ बहुत ही बढ़िया। यस, नंगे पांव पानी में चलने का अलग ही मज़ा है। यस, ये देखिए मस्त। ये छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ इस एरिया का पूरा व्यू। सुबह है, ये पानी बिल्कुल साफ है, आगे जाकर घग्गर नदी में मिलता है, वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा है और वहाँ पर गंदा हो जाता है। अभी तो ये बिल्कुल साफ और बड़ी कलकल करती इसकी आवाज़ पत्थरों के बीच में से बहता हुआ और सूर्य की किरणों के साथ बहुत ही बढ़िया। इस बार बारिश इतना आया पीछे हिमाचल के एरिया में बादल फटने से पूरा पानी गग्गर की तरफ आ गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। चट्टानें, मिट्टी खिसक गई, चट्टानें नीचे धस गई, काफ़ी नुकसान हुआ, कई रास्ते बंद हो गए। यस, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से पूरी मिट्टी कट गया है। ये देखिए पूरा एरिया साफ हो गया, कितना कचरा रहता था इस एरिया में। मैं पिछले साल जब आया था इधर वीडियो बनाने के लिए, बिल्कुल छोटा सा नाला होता था, अब ये कितना चौड़ा हो गया है, बिल्कुल गंदगी नाम की चीज़ नहीं है। ये सोलर पैनल लगाए हुए हैं यहाँ पर, ऊपर फार्म हाउसेज हैं, आप देख सकते हैं सुबह का नज़ारा। ये देखिए ऐसे ऐसे पत्थर के ऊपर बैठकर योगा किया जाए और उसके बाद इधर ही स्नान किया जाए और उसके बाद ब्रेकफास्ट, बिल्कुल मस्त। वैसी लाइफ कहीं पर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी, वाह जी वाह। ये देखिए सूर्य उदय पेड़ों के बीच में से, फंटास्टिक। लावले
थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ मैं आपको। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, मुश्किल से 10-20 होगा आज की डेट में, जहाँ पर पोल्यूशन नाम की चीज़ ही नहीं है। देखिए मस्त, बिल्कुल डस्ट फ्री एरिया, सुबह की पहाड़ियों का व्यू और पानी की कल कल करती आवाज़, पीछे सूर्य उदय, एक मतलब मन को मोहने वाला, जिसको बोलते हैं कि यस दैट इज द क्वालिटी, आनंद। मेरे नेचुरल ब्लेसिंग वीडियोज में आपको सारी वीडियो ऐसे ही मिलेंगी। यस, थोड़ा सा अंदर जाने का मन है परंतु थोड़ा सा रिस्क लेने वाली बात है। ये देखो जी, या ब्यूटीफुल, यस ओके देन फ्रेंड्स, आई मूव फर्दर टुवर्ड्स मौनी हिल एरिया। होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस स्मॉल वीडियो ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग बाय रामकरण। इफ सो देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।